लेकिन साड़ी लुक भी बहुत जल्दी आएगा द वे ये जो लुक है ये मैंने बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश की है बट आई मेकअप थोड़ी सी मैंने की है क्योंकि इसके इस आउटफिट के साथ अच्छा लग रहा था एंड दिस ईयर ये इयर मेरी ना सबसे फेवरेट आज का जो वीडियो है वो एन्जॉय तो आप करोगे ही साथ ही साथ अगर आपको मैं पसंद आती हूँ और आपको अगर मेरी कंटेंट पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी हिट करना ना भूलें एंड अगर आप चाहते हो मुझे कहीं और सोशल साइट पे फॉलो करना तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जाके फॉलो कर सकते हो सो so, वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड मेकअप स्टार्ट करते हैं एक मॉइस्चराइजर से जो कि मैंने यूज़ किया है यहाँ पर डॉटिन की का मॉइस्चराइज़र क्योंकि मेरे आउटफिट के साथ वो येलो येलो वाइब थोड़ा दे रहा था एंड अच्छा भी है ये मॉइस्चराइज़र और उसके बाद मैंने प्राइमर के लिए अप्लाई करा है स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटिंग प्राइमर आप कोई सा भी अपने स्किन टाइप के हिसाब से प्राइमर ले सकते हो देन मैंने स्विस ब्यूटी का ही एक फाउंडेशन मूस फाउंडेशन मैंने यहाँ पे यूज़ करा है इसका शेड नंबर है जीरो फोर यह काफ़ी अच्छा मैच होता है मतलब अभी व्हाइट वाइट थोड़ा दिख रहा है मतलब मेरे स्किन टोन से एक शेड लाइट दिख रहा है बट ये थोड़ी देर सेट होने के बाद आप अभी देख सकते हो मेरे फेस पे कितना अच्छा ये सेट कर गया उसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ करा है इसका भी शेड नंबर है ज़ीरो एंड उसके बाद माइग्लम का ये जो पॉज़ एच बनाना है उसकी मदद मतलब से मैं फेस को सेट कर लूँगी देन इनसाइड का ये जो कलर करेक्टिंग पैलेट है यहाँ से मैं कॉन्टोर उठाऊँगी एंड ये दो ब्लश को मिलाते हुए मैं आज ब्लश अप्लाई करने वाली हूँ देखने में कितना ईजी लग रहा है कि फटाफट मेकअप हो जा रहा है बट इसके पीछे तीन चार घंटे की मेहनत होती है हाईलाइटर के लिए मैंने वही स्विस ब्यूटी का पैलेट चूज़ किया देन मैं मार्श का जो पैलेट आता है ना ये ब्यूटीफुल सा कलर एंड बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है यहाँ से मैं एक ऑरेंज कलर को उठाऊँगी देन आउटर कॉर्नर पर और थोड़ी सी क्रीज लाइन पर करूँगी देन मैं आज कट क्रीज करने वाली हूँ जो बिगिनर है इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप बस स्टेप फॉलो करते जाओ आपको समझ में आ जाएगा एंड uh, मतलब मैं ना एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा गलत हूँ इसलिए मतलब मैं उतना ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ जो मैं बोलना चाहती हूँ मैं नहीं कर पाती हूँ इसलिए आप देख के थोड़ा सीख लो एंड उसके बाद लैकमे का आईलाइनर ही मैं यूज़ करूँगी उसके पहले मैंने ग्लेटर अप्लाई करी थी बीच में देन पेलोरा पेरिस का जो काजल है वन ऑफ माई फेवरेट काजल एंड वन ऑफ़ द बेस्ट काजल मैं कह सकती हूँ मैंने बहुत बड़े बड़े ब्रांड का काजल यूज़ करा है बट दिस वन इज़ टू गुड आपका अगर वाटर लाइन पर बहुत ज़्यादा समझ होती है आप इसको ट्राई करो बहुत अच्छा है उसके बाद मस्कारा के लिए मैंने मेवलिन का मस्कारा वाटर प्रूफ मस्करा अप्लाई करा देन मार्स का लिप लाइनर शेड नंबर जीरो टू डीप डाउन है उसके बाद इनसाइड कॉस्मेटिक की लिपस्टिक जो कि पिंक फॉर्म में है यहाँ पे पता नहीं क्यों कलर चेंज हो गया एंड उसके बाद स्विस्बीट का सेटिंग स्प्रे एंड बिंदी दिस इज माई फाइनल लुक सो so, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना जैसे कि मैं हर वीडियोस में बोलती हूँ और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें लाइक करना ना भूलें आप लोग लाइक नहीं करते हो यार आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो लाइक नहीं करते हो कम से कम लाइक तो कर दो अगर आपको पसंद आ रही है तो सो so, आज का वीडियो मैं यहीं पर एड करती हूँ मुलाकात होती है बहुत जल्दी कोई से इंटरेस्टिंग नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टिल देन एंड बाय